था और आज भी वह सम लग रहा है, काफ़ी बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह देखने को मिलेगा खरसवां राजमहल का व्यू। जी हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर? अभी हम लोग जा रहे हैं खरसवां। जी हाँ दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रविंदर जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए होता यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सामने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं खरसवां। सो खरसवां का नज़ारा आप सबको दिखाएंगे, कैसा है कैसा नहीं आप सबको दिखाएंगे इस वीडियो में। आप सब वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और साथ में जा रहे हैं भाई, ओके हाय, और सुनील भैया हैं और ये देखिए बाइक में जा रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। सो वीडियो में बने रहिएगा और दिखाते हैं आप सबको आगे का नज़ारा दिखाते हुए जाएंगे आप सबको, ओके फ्रेंड्स। सो चलिए देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ लोकल में से थोड़ा हाफ लीटर तेल डाल रहे हैं, ओके। सो गाड़ी में थोड़ा ऑयल कम है, सो खरसवां किसी भी हालत में पहुंचना होगा, वहाँ थोड़ा बहुत डालेंगे, ओके। सो ब्लॉक पे बने रहिए। और ये देखिए दुकान कुछ इस तरह। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं ये खजुरदा गांव के ठीक आगे ये पुल मिल जाता है आप सबको, जो कि ज़्यादा बड़ा है नहीं, सो ओके। और खजुरदा गांव के ठीक आगे ये पुल मिल जाता है और पुल से ठीक आगे ये भट्टा जो दिख रहा है, ये भट्टा मिल जाता है आप सबको, जो कि इसमें ईटा वगैरह बनता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक पे बने रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं ये भट्टा से ठीक आगे ये तालाब मिलेगा, जो कि हरिभंजा गांव से ठीक नीचे ये तालाब स्थित है, जो कि तालाब के चारों तरफ कमल के पत्तों से ढका हुआ है, जो कि देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए और नज़ारा देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फाइनली हरिभंजा के ठीक करीब पहुंच गए हैं और ये रहा हरिभंजा गांव। जी हाँ दोस्तों, ये हरिभंजा है, जो कि हरिभंजा से होते हुए हम लोग को खरसवां जाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग पे बने रहिए, ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग खरसवां का पुल में है, ठीक है। तो यार हम लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो यार थोड़ा बहुत दिखा दूँ आप सबको भी पुल, ओके। सो चलिए अभी दिखाते हैं आप सबको पुल, ये कैसा है कैसा नहीं आप सबको दिखाते हैं, ओके, खरसवां का ये बड़ा सा पुल। सो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए एंड तक और चलिए दिखाते हैं आप सबको। उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे चौक की ओर, ठीक है, खरसवां चौक। सो खरसवां चौक का भी नज़ारा आप सबको देखने को मिलेगा। सो वीडियो पे बने रहिए और सबसे पहले ये खरसवां का पुल देख लीजिए, ओके, और उसके बाद हम लोग चलेंगे चौक, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा पुल और ये देखिए नीचे का नज़ारा है, जैसे कि देख पा रहे हैं, ओके, पानी काफ़ी कम लग रहा है। ये देखिए इस साइड का भी मैं व्यू आप सबको एक बार दिखा देता हूँ, ओके। सो ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर और एक गो पुल बना हुआ है, जो कि उसमें पानी ज़्यादा होने के वजह से वो वाला पुल जो है पानी से भर जाता है, जो कि आने जाने में काफ़ी दिक्कतें आ जाते हैं उसमें, ठीक है, पार होने में। पानी ज़्यादा हो जाने के बाद पुल जो है डूब जाता है वो, और उसी के चलते ये जो है बड़ा सा पुल बनाया गया है सुविधा के लिए, हर किसी के लिए, ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं नज़ारा काफ़ी बिल्कुल अच्छा है और ये देखिए काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है, ओके। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी चलते हैं, हम लोग को जाना है इधर, ओके, आगे की ओर जाना है, और चलिए अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से। सो ब्लॉग पे बने रहिए आप सब, ओके।
सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं ये कोऑपरेटिव बैंक। ओके, सो कोऑपरेटिव बैंक में पर्सनल जो काम था वो हम लोग कर लिए हैं, और भाई अभी चले गए हैं, थोड़ा मेडिकल गए हैं दवा लाने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं ये राजमहल है, ब्रिटिश ज़माना से। जी हाँ दोस्तों, ये महल जो दिख रहा है आप सबको, ये ब्रिटिश ज़माना पे बनाया गया था ये महल, जो कि राजमहल नाम से भी जाना जाता है, जो कि साइन बोर्ड पे आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है खरसवां राजमहल। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा राजमहल, जो कि मैं भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, और बहुत साल पहले मैं एक बार आया था, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था, और आज भी वह सम लग रहा है काफ़ी बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा खरसवां राजमहल का व्यू। जी हाँ, सो फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर चलते हैं और दिखाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं ये गेट, जो कि इसमें डीजी भी लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह काफ़ी बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों, राजमहल के ठीक करीब ये कोऑपरेटिव बैंक के ठीक सामने एक स्टैचू बना हुआ है कुछ इस तरह। ओके फ्रेंड्स, और चलिए आगे। सो फ्रेंड्स, भाई आ गए हैं रिटर्न, और अभी चलते हैं हम लोग चौक। ओके, सो ब्लॉक पे बने रहिए आप सब। ओके फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, हम लोग चांदनी चौक के ठीक करीब पहुँच गए हैं, खरसवां चांदनी चौक, जो कि खरसवां में स्थित है। और कभी आप सब नहीं देखे हैं तो कभी आइएगा, आप सब काफ़ी बढ़िया अच्छी तरह से देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो दिख रहा होगा, ठीक है, नागरिक सेवा केंद्र। ओके, नागरिक सेवा केंद्र, इसमें थोड़ा ऑनलाइन कराना था। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा ही बाइक का कंडीशन थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फाइनली जाएंगे गैरेज, सो गाड़ी के कंडीशन ठीक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सब लोग को बने। और ये यहाँ से एक मास्क लेंगे हम लोग गायत्री स्टोर से, जो कि भाई अभी अंदर घुसे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइनली चल जाएंगे घर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये रहा मास्क, एक मास्क लिए हैं हम लोग। ओके, हम लोग फाइनली यहाँ से जाने वाले हैं फ्रेंड्स। ओके, और ब्लॉग पे बने रहिए आप सब। सो फ्रेंड्स, ये देखिए इमरान भाई हैं यहाँ। हेलो, और एक ईयरफोन चॉइस कर लिए हैं। ओके, सो ये लेने वाले हैं, सो ले भी लिए हैं। ओके, रियलमी का है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिक्कत हो रहा था एडिटिंग में। ओके, सो किसी की वजह से जो है ये ईयरफोन मुझे लेना पड़ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी चलिए ईयरफोन तो ले लिए, अभी यहाँ से चलते हैं सीधे घर, और ब्लॉग पे आप सब बने रहिए। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग पेट्रोल पंप में हैं, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, ठीक है। सो बाइक में थोड़ा ऑयल कम था, इसीलिए हम लोग थोड़ा बाइक में तेल डाले, और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे घर। सो ब्लॉग पे बने रहिए, और नज़ारा दिखाते हुए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, घर में मुलाकात होता है, ब्लॉग पे बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं, और ये देखिए मैदान में बैठे हैं, ठीक है। ये मेरा बाइक, और यार आज बाइक का कंडीशन ठीक करेंगे सोचे थे, बट हो नहीं पाया, क्योंकि रीज़न यही था कि आदमी ज़्यादा था और लाइन लगाना पड़ता था बाइक के लिए, ठीक है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम करा लेंगे, और आज नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, पता नहीं मेरा बाइक का क्या प्रॉब्लम हुआ है कि तेल जो है ज़्यादा पी रहा है। सो अभी वैसे भी तेल का रेट ज़्यादा बढ़ गया है, ऊपर से मेरा बाइक में जो है यही प्रॉब्लम आ रहा है कि तेल ज़्यादा पी रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, सो इसीलिए मेरा काम जो है नहीं हो पाया। ओके गाइस, और ये देखिए हम लोग का शाम का लोकेशन में ये मैदान आप सबको देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है व्यू। ओके,
सो फ्रेंड्स अभी का व्लॉग आज ही यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अभी मेरे को घर भी जाना पड़ेगा जो पर्सनल है, पर्सनल काम भी थोड़ा बहुत करना होगा। ओके सो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। यार पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सामने वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, गांव से सारे जुड़े रिलेटिव वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचते रहेगी। सो फ्रेंड्स यार आप सबको किस टाइप से वीडियो चाहिए यार कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, और आज एक ऑनलाइन से प्रोडक्ट मंगाया गया था, सो स्पेशल कल आप सबके लिए लेकर के आएंगे उसका वीडियो। ओके सो उसका भी अलग से आएगा, और आज डिलीवर हो चुका है उसका, सो रिसीव कर भी लिया, कल का व्लॉग में आप सबको आ जाएगा वो वीडियो। ओके सो फ्रेंड्स अभी एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।